गाइस क्या आप लोगों को पता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जहां एंट्री करते हैं हम लोग वो एरिया को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। गाइस ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है ट्रेडिंग में, पर इसे किसी ने भी कंप्लीट सीक्रेट नॉलेज के साथ में नहीं बताया है। गाइस ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें गाइस मैं कंप्लीट जितने भी तरह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री बनाते हैं जिसे हम लोग टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं वो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में गाइस ये वीडियो में आपको मिलेगा। और गाइस ये वीडियो जान जाओ कि ये वीडियो में वो कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है जो आपको आज तक किसी ने पेड क्लास में भी नहीं दिया होगा, और वो भी गाइस हम लोग आईसीटी के कॉन्सेप्ट के अनुसार से हम लोग इसमें देखेंगे। गाइस हम लोग देख रहे हैं यार आईसीटी कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, और गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 7। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो गाइस सबसे पहले उसे देख ले। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग यार ऑर्डर ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे कि आखिर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, आखिर ये काम कैसे करता है, और हम लोग आखिर इसे क्यों पढ़े। इसको पढ़ने के बाद भी हमारे ट्रेडिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा बेसिक से गाइस, क्योंकि इसका जो मेन हिस्ट्री है वो इसी में छिपा हुआ है कि आखिर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिसमें गाइस हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स गाइस जो कि आज तक आप लोगों को बताया भी नहीं गया है, जो कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो यूट्यूब पर आज तक नहीं दिए गए, वो मैं इस वीडियो में दूंगा। जिसमें गाइस यहाँ पर हमारे सामने 6-7 नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एक है रेंज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, फिर है पीवेट ऑर्डर ब्लॉक, ओके, फिर इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, फिर गाइस हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, फिर इसके बाद में हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, फिर हमारे पास में रिजेक्शन ब्लॉक है, फिर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, फिर हम लोग बात करेंगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा कितना, मतलब कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा कितना काम करेगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैं बात करूंगा। गाइस ये जो मैं कंप्लीट यहां पर मैं पढ़ाऊंगा इसके पीछे का रीजन और लॉजिक भी बताऊंगा, और इसके ऊपर गाइस मे बी आई थिंक 2-3 वीडियो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो, और गाइस सब कुछ का लॉजिक रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आखिर कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो गाइस देखो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है ऑर्डर, दूसरा हमारे पास में है ब्लॉक। क्या गाइस, एक है ऑर्डर हमारे पास में और दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में है ब्लॉक। अब एक दोनों का मीनिंग समझते हैं कि आखिर दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो देखो गाइस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब आखिर होता क्या है। तो गाइस देखो ट्रेडिंग में ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, देखो गाइस अगर आप लोग का ट्रेड लेना चाहते हो तो ट्रेड आप लोग दो तरीके से लोगे, एक तो आप लोग लेते हो लिमिट प्राइस पे, लिमिट प्राइस पे, लिमिट प्राइस पे, ठीक है, और एक आप लोग लेते हो मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे आप लोग लेती होगी। अब लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है, तो देखो गाइस आप लोग क्या करते होगे, कभी कभी मान लो कि आपको लेना है ट्रेड लेना है, ठीक है ना, और आपने सोच लिया कि मुझे यही एरिया पे लेना है ट्रेड, और मान लो मार्केट यहाँ पर नजदीक में आ गई है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, मान लो ये एरिया का प्राइस है 2000, ठीक है, और मार्केट अभी क्या है 1990 पे मार्केट अभी है, तो आप लोग क्या करते हो 2000 के एरिया पे जो भी एक लॉट दो लॉट लेना होता है वो आप लोग ऑर्डर लगा देते हो। ऑर्डर उस वक्त में फुलफिल आपका ट्रेड आपका नहीं लगता है, उस वक्त में आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है, ट्रेड आपका नहीं लगता है, जब मार्केट आपका मे बी 2-5 मिनट में जैसे ही मार्केट आपका 2000 के एरिया को टच करता है आपका ऑर्डर क्या होता है, लग जाता है। ठीक है, यही मैं बात करूं मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है कि मार्केट अगर आपका 1990 पे चल रहा है तो डायरेक्ट आपका 1900 पे ही आपका ट्रेड चालू हो जाएगा, मतलब वहीं पे आपका ऑर्डर लग जाएगा, मतलब जहां मार्केट चल रही है वहीं पर लग जाना। तो हमारे पास में दो तरीका होता है, एक होता है हम लोग भाई खुद से चुन सकते हैं कौन सा प्राइस पे एंट्री लेना चाहते हो, एक चाहते हैं कि जो भाई जो मार्केट में रेट चल रहा है वही उसी पे हम लोग एंट्री लेना चाहते हैं। तो गाइस ये दो तरीका से हम लोग लेते हैं। तो ये जो लिमिट प्राइस होता है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग एग्जैक्ट ये पॉइंट पे या फिर ये प्राइस पे हम लोग लेंगे, वो जो हम लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं कि हाँ यहां पर मार्केट आएगी तब हम लोग एंट्री लेंगे, इसी को बोलते हैं ऑर्डर लगाना। ठीक है, ऑर्डर लगाना मतलब ट्रेड लगाना, समझ रहे हो, मतलब ऑर्डर हमने कर दिया है ट्रेड के लिए, समझ रहे हो, मतलब क्या हमने ऑर्डर अपना लगा दिया है, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब होता है गट्ठा, गट्ठा, ठीक है, अब गट्ठा का मतलब क्या होता है, बंडल। मान लो गाइस एक जगह पे बहुत सारा लकड़ी होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं लकड़ी का गट्ठा है, मतलब एक जगह बहुत सारा है। उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई एक एरिया है,
मान लो कि ये हमारे पास में क्या एक एरिया है, यहां पर बहुत सारे लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, यहां पर बहुत सारे लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, लिमिट प्राइस पे बहुत सारे लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट में यहां पर ऑर्डर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब क्या, ऑर्डर का गठा लगा हुआ है, मतलब बहुत सारा ऑर्डर लगा हुआ है, बात समझ रहे मेरी बात को, बहुत सारा ऑर्डर लगा हुआ है। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये बहुत सारा ऑर्डर कौन लगा सकता है, मुझे बताओ मार्केट में किसके पास में इतना पैसा है जो बहुत सारा ऑर्डर लगा सकता है भाई, मतलब मुझे कौन सबसे बड़ा ऑर्डर लगा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग कौन कर सकता है, कौन लगा सकता है कि 1 लाख से 1 लाख लॉट ले रहे हैं, 10,000 लॉट ले रहे हैं, 20,000 लॉट का यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है। मान लो कि यहाँ पर आपका 1 लाख लॉट का ऑर्डर लगा हुआ है, 1 लाख शेयर खरीदने के लिए बाइंग के लिए ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, बाइंग के लिए क्या ऑर्डर लगा हुआ है, ये कौन लगा सकता है, तो ये लगाने का जो काम होता है इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास में इतना पैसा होता है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम लोग 5, 10, 20, 50 नहीं, हार्डली हम लोग लॉट ले सकते हैं, हम लोग शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा शेयर हम लोग यहाँ पर, हम लोग के पास में उतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग खरीद सकते हैं, एक रिटेलर के पास में उतना पैसा नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऑर्डर लगाता कौन है, ऑर्डर ब्लॉक कौन भाई क्रिएट करेगा, तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के द्वारा, समझ रहे हैं बात को, क्यों, क्योंकि भाई उन्हीं के पास में इतना पैसा है कि भाई वो पूरा ऑर्डर का भाई पूरा गट्ठा तैयार कर दे। तो वैसे अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि आखिर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो एंट्री कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे बनाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या वो एंट्री एक ही बार में लगा देते हैं, क्या कोई भी एक एरिया ले लिमिट ऑर्डर पे, जो लिमिट ऑर्डर किसको बोलते हैं और मार्केट ऑर्डर किसको बोलते हैं मैंने बता दिया, ठीक है, लिमिट पे, लिमिट ऑर्डर पे लगा देते हैं क्या, क्या वो अपना जो है सो एंट्री मार्केट ऑर्डर पे लगा देते हैं, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा उसी पर लगा दिए, क्या लगा दिए, क्या वो एक बार में ही एंट्री बनाते हैं, क्या वो एक बार में ही एंट्री बनाते हैं, मुझे ये तीनों में से एक आंसर मुझे बताओ कि आखिर वो एंट्री लेते हैं कैसे लेते हैं। तो गाइस इसका आंसर है ना वो लिमिट ऑर्डर में ट्रेड लेते हैं, ना वो मार्केट ऑर्डर में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और ना वो एंट्री एक बार में बनाते हैं। तो आप लोग बोलोगे सर फिर क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं गाइस, वो एंट्री लेते हैं तो वो धीरे धीरे लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर वो एक ही बार में कोई भी प्राइस पे लगा दिए, मान लो यहां पर 2000 का एरिया है, 2000 मान लो मार्केट चल 2000 का ये प्राइस है, ठीक है, ये 2000 का प्राइस है, अगर यहां पर अगर 1 लाख अगर मान लो 1 लाख अगर लॉट अगर वो अगर बाइंग करना चाहिए, 1 लाख शेयर अगर बाइंग, तो पता आपको जो मार्केट है ना वो रॉकेट बन करके उड़ जाएगा, रियली बोल रहा हूं, मार्केट क्या होगा आपका रॉकेट बन करके यहां से पूरा का पूरा उड़ जाएगा, और उनका ऑर्डर 1 लाख यहां पर फुलफिल नहीं होगा, यहां पर मान लो 100 होगा, यहां पर हो गया 200 हो गया, यहां पर उनको 300 हो गया, यहां पर उनका 400 हो गया, यहां पर उनका 500 हो गया, इधर हो गया उनका 1000 हो गया, इस तरह से करते करते उनको बहुत नुकसान हो जाएगा यार, और मार्केट भी काफी ऊपर चली जाएगी अगर वो एक बार में एंट्री लेंगे तो, ठीक है, एक बार में एंट्री लेंगे तो। दूसरी बात क्या कि अगर वो मार्केट प्राइस में लेंगे तब तो उन्हें एक बार में ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या उन्हें एक बार में ही लगा देना पड़ेगा, अगर मार्केट प्राइस में भी लगाएंगे यही काम होगा, पूरा रॉकेट बन करके मार्केट पूरा का पूरा चला जाएगा। तो गाइस आखिर वो लगाते कैसे है, देखो वो लगाते तो आखिर लिमिट में ही है, बट क्या एक बार में नहीं, वो क्या करते हैं, मान लो जैसे देखो अभी आप लोग यहां पर देखो वो क्या करेंगे, ये मान लो आपका 1900 का एरिया है, ये क्या 1900 का एरिया है, और ये नीचे वाला एरिया आपका 2000 का, क्या 2000 का है, अब वो क्या करेंगे, कुछ प्राइस कुछ आपका जो है ना एंट्री वो आपका यहां पर लेंगे, कुछ 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 इधर ही, समझ रहे हो, मार्केट को घुमाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे, फिर नीचे लेकर जाएंगे, लोगों को डराएंगे, यहां पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया जाएगा, उनको एंट्री के लिए एक्साइटेड करेंगे, यहां पर पूरा का पूरा जाल बिछाया जाएगा, और वो जैसे जैसे लोग बेचते जाएंगे ये एंट्री बनाते जाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे, ये सपोर्ट बना करके इसको ब्रेक करेगा, इसको देख करके सारे लोग मार्केट में सेल करना शुरू करेंगे, ये बाय करना शुरू करेंगे, बाय करना शुरू करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, ये अपना पूरा का पूरा ऑर्डर एक जोन पकड़ते हैं, एक एरिया पकड़ते हैं कि हाँ 1900 से लेकर के 2000 में हम लोग बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक बार में बाय नहीं कर सकते हैं, बात को समझना, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ा लॉट होता है, क्योंकि अगर एक बार में अगर ये बाय करेंगे तो सेल करने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए ना, बात को समझो, देखो अगर कोई दो लॉट अगर कोई 1 लाख शेयर सेल करेगा तब ना कोई 1 लाख बाय करेगा, अगर कोई सेल ही नहीं करेगा तो बाय आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो, तो वही चीज का ये यूज करते हैं कि यहां पर ये ट्रैप करेंगे, यहां पर क्या करते हैं
ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद में एक जोन क्रिएट करेंगे, वहां पर लोगों को डराया जाएगा और ये कहीं ना कहीं 1900 से लेकर के 2000 मान लो इस तरह से एक जोन रहेगा, ठीक है। कुछ एंट्री इधर, कुछ एंट्री इधर, कुछ एंट्री इधर, जैसे जैसे लोग बेचते जाएंगे ये बाय करना शुरू करेंगे और बाय करते रहेंगे। फिर क्या होता है कि सारा का सारा इनका लॉट एक ही बार में लग नहीं जाता है, बात समझना इस बात को, सारा का सारा लॉट जो है ना 1,00,000 ये भी जोन में इनका नहीं लगेगा, समझ रहे मेरी बात को, ये जोन में क्या इनका नहीं लगेगा। तो क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर लग गया 50,000 आपका लॉट लग गया, 50,000 क्या लॉट लग गया, अब देखो बाय करेंगे तो मार्केट में प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, तो क्या होता है मार्केट पंप कर जाती है, बात समझो, भले ही लोग सेल कर रहे हैं सेल कर रहे हैं सेल कर रहे हैं बट ये बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे थोड़ा ज्यादा ही बाय कर रहे हैं, तो क्या होता है मार्केट में प्रेशर बढ़ जाता है, बाइंग प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो मार्केट क्या कर जाती है पंप कर जाती है, पंप कर जाती है, पंप कर जाती है, ठीक है। फिर इधर लोगों को एक्साइटमेंट दिलाया जाता है कि अब सेल करो, कोई हैवी रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, साथ में भी कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से बाय ही करते हैं, कुछ एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं जो बाय करते हैं, जो आप टेक प्रॉफिट करेंगे और फिर भी ये थोड़ा बहुत आखिर ये ऑन चेन, ये चेन रिएक्शन इसको बोला जाता है, ये मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चेन रिएक्शन यहां पर कराया जाता है, चेन रिएक्शन यहां पर कराया जाता है, यहां पर और रिटेलर को डराया जाता है, ठीक है, जो यहां से एंट्री लेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट किया जाता है और मार्केट को धीरे 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 वापस से ये जोन में लाया जाता है और फिर से जो ऑर्डर जो बच जाता है इनका, देखो इन्होंने तो ऑर्डर लगा दिया है, सारा ऑर्डर इनका फुलफिल नहीं हुआ, बात समझो, इन्होंने ऑर्डर लगा दिया, मान लो 50,000 ऑर्डर फुलफिल हुआ, ठीक है, और मार्केट यहां से क्या कर गई पंप कर गई, फिर मार्केट यहां से अगर आएगी, फिर मार्केट क्या करेगी लोगों को ट्रैप करते हुए इधर 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 लोगों को ट्रैप करते हुए उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट फिर से यहां पर आएगी और फिर बाद में जो ऑर्डर आपका बच गया है वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, वो ऑर्डर यहां पर फिल होगा, इसीलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है और यहां से मार्केट आपका पंप करती है, समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या आपका मार्केट क्या होता है यहां से आपका मार्केट क्या करती है पंप करती है, इसीलिए एक ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करता है, समझ रहे हो, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री करते हैं, एक्चुअल में वो पहले ही एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले एंट्री करते हैं बट उनका लॉट साइज इतना बड़ा होता है कि उनका एक बार में ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, एक बार में ऑर्डर उनका फुलफिल नहीं होता है, मान लो उन्होंने लगा दिया, ऐसे समझना हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, मान लो मार्केट यहां पर अभी आई, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, अभी देखो गाइस मैं यहां पर दिखाता हूं उनको, ये मान लो आपका सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक हमारा सपोर्ट का एरिया है, मार्केट क्या कर रही है यहां से आ रही है, ठीक है, मान लो गाइस मार्केट यहां से आ रही है, ठीक है, अब हम लोग क्या यहां से थोड़ा बहुत मार्केट में बुलिश कैंडल यहां से बनना शुरू हो जाता है, यहां से क्या होता है बुलिश कैंडल बनना शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं मान लो 25% एंट्री यहां पर लगा दी, ठीक है, यहां पर लगा दिए, फिर क्या किए, फिर अपने से ही ऑर्डर लगा देते कि अगर मार्केट अगर थोड़ा नीचे आए तो अगर ये एरिया पे आ जाए तो मेरा क्या हो 25% और एरिया 25% और बुक हो जाए, थोड़ा सा अगर और नीचे आ जाए यहां तक, ठीक है, तो हमारा क्या हो 50% और लग जाए, 50% क्या एंट्री हम लोग यहां पर, इस तरह से 2-3 पार्ट में बहुत सारे लोग एंट्री बनाते हैं जिसे हम लोग डीसीए बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है, डीसीए हम लोग बोलते हैं, और फिर हम लोग स्टॉप लॉस अपना कुछ इधर लगा देते हैं, तो इस तरह से आपने भी एंट्री किया होगा, तो इसी तरीके से भाई वो भी ऑर्डर लगाते हैं, ऐसा बात थोड़ी ना, इसी तरह से वो भी ऑर्डर लगाते हैं, मान लो यहां पर आया ऑर्डर फुलफिल हुआ, यहां पर आया ऑर्डर फुलफिल हुआ बट यहां पर क्या हुआ बाइंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, मार्केट यहां से पंप कर गई, मार्केट क्या हुआ यहां से पंप कर गई, फिर वो धीरे धीरे मार्केट को रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट को लाए 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 और फिर यहां पर जो 50% ऑर्डर था बचा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया और मार्केट फिर यहां से आपका पूरा का पूरा पंप, तो इस तरह से आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या करता है काम करता है, ठीक है, यहां से क्या काम करता है, तो आई होप गाइस कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, कौन क्रिएट करता है और कैसे काम करता है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, यहीं पर आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री बनाते हैं वही जोन को हम लोग क्या बोलते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो गाइस अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं क्या हमेशा एक तरीका से ही एंट्री लेते होंगे, क्या आप लोग हमेशा केवल सपोर्ट पे ही एंट्री लेते हो, क्या आप लोग ट्रेंड लाइन पे एंट्री नहीं लेते हो, क्या आप लोग कोई पैटर्न पे एंट्री नहीं लेते हो, क्या आप लोग अलग अलग सिचुएशन में एंट्री नहीं लेते हो, क्या आप लोग फिबोनाची पे एंट्री नहीं लेते हो, इलॉट वेव पे एंट्री नहीं लेते हो, लिक्विडिटी पे एंट्री नहीं लेते हो, तो जैसे आप लोग अलग अलग तरीके से एंट्री लेते हो क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी अलग अलग तरीके से एंट्री नहीं लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई अलग अलग ट्रेंड तरीके से एंट्री लेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा एक सपोर्ट बनेगा इस तरह से जोन बनेगा मार्केट यहाँ पर आएगी इस तरह से एंट्री लेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बार मार्केट ट्रेंड लाइन पे भी आपका इस तरह से आ करके यहाँ पर थोड़ा से यहाँ से मार्केट पंप कर जाए,
ठीक है, यहाँ से वो एंट्री बना ले। तो ये अलग अलग तरीका होता है उनका भी एंट्री लेने का। तो गाइस वही उनके अलग अलग तरह एंट्री लेने को ही टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में मैंने कवर किया है कि वो अलग अलग कौन कौन से तरीके होंगे जिसपे वो एंट्री बनाते हैं। यहां पर भी मैंने लिखा है कि ऑर्डर ब्लॉक इज एरिया, एक एरिया है जहां पर क्या होता है, वी आर इंस्टीट्यूशनल, ठीक है गाइस वी आर यहां काट देना, जहां पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेंडिंग रहता है। समझ रहे हो, मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्या, कोई पूछेगा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो ऑर्डर ब्लॉक एक एरिया है ठीक है जहां पर क्या होता है इंस्टीट्यूशनल का ऑर्डर भी पेंडिंग रहता है, ठीक है, उनका कंप्लीट ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है, वहां पर बचा हुआ रहता है। तो गाइज अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को गाइज अभी कभी लाइक करो यार, हमारा एम जो है गाइज वो है 250 लाइक का एम है हमारा, टारगेट ज्यादा नहीं है गाइज, 250 लाइक का हमारा टारगेट है। और गाइज अगर आप लोग यार 250 लाइक पहुंचा दोगे तो बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा गाइज, इसका क्या नेक्स्ट पार्ट जस्ट गाइज तुरंत का तुरंत मैं ले आऊंगा, साथ में गाइज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना यार, प्लीज गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में यार जरूर शेयर करना, आप लोग शेयर बिल्कुल भी गाइज नहीं करते हो ठीक है, तो गाइज शेयर जरूर करना यार, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से ठीक है। और गाइज अगर आप लोग वीडियो पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना, और साथ में गाइज अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग मेरे से सीखना चाहते हो तो आप लोग क्या मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ओके। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्या एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ ठीक है। तो देखो गाइस मान लो, देखो अब यहाँ पर समझना मेरी बात को ठीक है ना, मार्केट जब यहाँ पर आई ठीक है तो कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने यहाँ पर बाई किया ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ही कुछ यहाँ पर बाई हुआ ठीक है, कुछ ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल हुआ, फिर कुछ ऑर्डर यहाँ पर कुछ इधर फुलफिल हुआ, कुछ यहाँ पर आपका फुलफिल हुआ, कुछ यहाँ पर फुलफिल हुआ ठीक है। तो ऐसा थोड़ा यहाँ पर सारा सारा फुलफिल हो जाएगा, देखो उनका 1 लाख ऑर्डर समझ में आ रहा है, सारा थोड़ी लगेगा। देखो यहाँ पर मान लो एक बात थोड़ा सा सोच करके देखो कि यहाँ पर अगर 100 अगर आपका शेयर बिकेगा ठीक है तो 100 शेयर यहाँ बाय कर पाओगे ना, बात समझो इस बात को कि अभी मान लो कि आपको, देखो मार्केट चलता कैसे है, कोई अगर बेचेगा तब ना आप खरीदोगे ना, या कोई खरीदेगा तब ना आप बेचोगे ठीक है, सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है ठीक है, कोई बेचेगा तभी आप खरीद पाओगे या कोई खरीदेगा तभी आप बेच पाओगे ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 100 शेयर बिक रहा है मान लो ठीक है, तो आप 100 शेयर ही खरीद पाओगे, आप 1 लाख शेयर यहाँ बाय नहीं कर पाओगे ठीक है। अगर आपने 1 लाख शेयर के लिए ऑर्डर लगाया है ठीक है, तो आपका 100 शेयर फुलफिल हो जाएगा, बाकी बाकी रहेगा। अब जैसे जैसे लोग बेचते जाएंगे आपका ऑर्डर फुलफिल होते जाएगा, आप यहाँ पर मार्केट को थोड़ी देर और रोको, ऊपर नीचे करो ठीक है, लोगों को ट्रैप करो, लोगों को दिखाओ कि मैं नीचे जाने वाला हूँ ठीक है। हर बार क्या करो, देखो यहाँ से क्या करो, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया है, यहाँ पर क्या किया गया, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया, पहले इतना आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आई, तो बार बार लोगों को क्या दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों को दिखाया जाता है इस तरह से कि देखो सेलर्स में पावर ज्यादा है, मार्केट पक्का यहाँ से नीचे जाएगी, काम करो सेल करो सेल करो, मार्केट यहाँ से पूरा पूरा नीचे आ रही है। हर बार क्या कर रही है, मार्केट अपना लो को ब्रेक कर रही है, बट बायर्स में इतना ताकत नहीं है कि मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी, इस तरह का कहानी बनाया जाता है और आप लोगों को क्या ट्रैप किया जाता है ठीक है, आप लोगों को क्या ट्रैप किया जाता है। फिर इतना नहीं, आप लोग क्या करते हैं, जितना लोग जो जो बेच पाते हैं जब मैक्स बिक जाता है ठीक है, अच्छा खासा बिक जाता है, और जब बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से रोका नहीं जाता है, और कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आ जाते हैं जो और बाय कर देते हैं, समझ रहे हो, जब एग्जैक्ट मार्केट आपका यहाँ पर आ जाएगी, कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो आपके होंगे वो आकर के 10-20 लॉट ले लेंगे, अब वही 10-20 लॉट क्या करेगा, बूम फाड़ देगा ऊपर की तरफ ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर देगा, मार्केट तुरंत के तुरंत क्या हुआ ऊपर की तरफ आपको पंप कर गया, अब इधर वो टेक प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे, टेक प्रॉफिट करेंगे, 1-2 कैंडल बनेगा ठीक है, अब लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ से पुल बैक देगी, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन बोलते हैं ठीक है। आगे चल करके हम सिखाएंगे आपको चेन रिएक्शन क्या होता है ठीक है, चेन रिएक्शन क्या होता है, चेन रिएक्शन कर दिया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट नीचे आती है और यहाँ पर सपोर्ट बना दिया जाता है। देखो ये जब एरिया ब्रेक हुआ होगा, ये एरिया क्या, जब आपका ये एरिया ब्रेक हुआ होगा और फिर मार्केट यहां पर आई, रिटेस्ट किया, देखो यहां पर नोटिस करो इस बात को कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, फिर एक कैंडल आई, मार्केट रिटेस्ट किया और फिर मार्केट यहां से पंप किया ठीक है। अब क्या हुआ, ये एरिया पूरा का पूरा आपका एक्सटेंड हो गया इधर की तरफ ठीक है। अब क्या हुआ, दोबारा मार्केट आई यहां पे, यहां से क्या हुआ, पंप हुआ, लोगों ने क्या किया होगा, यहां से हैवी अमाउंट में बाय किया होगा, स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर होगा, साथ में जितने लोगों ने यहां से बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर होगा। अब मार्केट फिर यहां पर आई और यहां पर देखो एक हैमर आपके सामने ग्रीन कलर का बना हुआ मिल रहा होगा, एक हैमर क्या ग्रीन कलर में, अब इसको देखकर क्या और लोग बाय किए होंगे, यहां पर हैवी अमाउंट में बाय किए होंगे, क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा बहुत हैवी सपोर्ट है, पूरा पूरा नीचे तरफ लिक्विडिटी थी, मार्केट तुरंत आई और फिर जो भी आपका यहां पर ऑर्डर था फुलफिल हुआ और मार्केट फिर क्या आपका ऊपर, मार्केट क्या हुआ, ऊपर हुआ, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक के साथ में क्या होता है
ठीक है। जनरली इसी तरीके से क्या इसी के पीछे का लॉजिक रीजन मैंने समझाया है। डोंट वरी गाइस, मुझे पता है आप लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत आ रहा होगा कि सर ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करें, कौन सा एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक का होगा, ऑर्डर ब्लॉक आखिर मार्केट में कैसे पहचाने। चलो आपने बता दिया जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री बनाएंगे वो एरिया को हम लोग बोलेंगे, बट मार्केट में पहचानेंगे कैसे, मार्केट में क्या पहचानेंगे कैसे गाइस, ये सब आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा। मैं भली बात ही मैं समझ रहा हूं इस बात को, बट थोड़ा सा बस पेशेंस रखो आप लोगों को रेंज इस ये देखो यहां पर सारा का सारा वो कैसे कैसे एंट्री लेंगे, कैसे कैसे पहचानना है वो पूरा का पूरा मैंने यहां पर कवर किया है। क्या वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कवर किया है गाइस, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बात किया है, ठीक है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा ड्रॉ करना है, कैसे एरिया फाइंड करें, कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को क्या ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कि एक कितना बड़ा एरिया लेना है, कौन सा एरिया लेना है, मार्केट में कौन सा पुलबैक को लेना है, कहां पर वो एंट्री करेंगे, सारा सब कुछ आंसर मिलेगा। बट गाइस वीडियो यार बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वीडियो को गाइस हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। साथ में ही गाइस अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक रीजन के साथ में सीखना चाहते हो लाइव मार्केट में मेरे साथ में गाइस, तो यहां पर नंबर आप लोग को दिख रहा होगा यार, कॉल करके कॉन्टैक्ट करके आप लोग इंक्वायरी जान सकते हो।